हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एविएटर गेम के बारे में। देखो एविएटर गेम एक साधारण गेम नहीं है, इतना बड़ा एक स्कैंडल कह सकते हैं या फिर एक ऐसा ट्रैप है जहां पे आप लोग इस तरीके से फंस जाते हो कि वहां से निकल पाना भी आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। गेम क्या है पहले मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। एक फ्लाइट वाला गेम है कि एक फ्लाइट है जो उड़ रही है, हमारे को स्टार्टिंग में बैट लगाना है और जो भी हमने बैट लगाया है उसको हमारे को वहाँ से निकाल लेना है। अगर हमने वहाँ पे मतलब बाय से वापस बैक नहीं किया तो वहाँ पे जितना भी आपका पैसा है वो सारा चला जाएगा। फ्लाइट जैसे डाउन जाती है आपका सारा पैसा जीरो पे हो जाता है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार नहीं, हमने अभी पैसा लगाया, लगाते हैं जैसे वो उड़ने लगेगा हम काट देंगे। तब क्या होता है, आप स्टार्टिंग में एक दो चांस तो जीतोगे, एक दो चांस बाद है ना आपको मौका ही नहीं मिलेगा वहाँ पे काट का या वहां से आपको बैक आने का। वहां पे आपके ऐसे कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके पैसे चले जाते हैं। मैंने ये गेम ट्राई किया और ट्राई करके मैंने देखा है क्या एक्चुअल में इसमें पैसा कमाया जा सकता है, क्या इसके अंदर मतलब अगर हम चाहें कि जैसे फ्लाइट उड़ने लगी उससे पहले हमने पैसा लगाया और उड़ते ही हमने काट दिया। ऐसा मैंने 5-6 बार ट्राई किया, 5-6 बार में 3-4 बार तो मैं जीता, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि कंटिन्यूअसली मेरे को मौका ही नहीं दिया जा रहा और मैं कंटिन्यूअसली हारता जा रहा हूं। और साथ में इसके अंदर भी बोट प्लेयर्स काम करते हैं। बोट प्लेयर्स कैसे, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनियां अपने कंप्यूटराइज प्लेयर्स होती है उनको वहां पे इन्वॉल्व करके रखती है और कंप्यूटराइज प्लेयर्स के ऊपर इस तरीके से कोडिंग होती है कि वो आप लोगों को स्टार्टिंग में तो जीतने का मौका देंगे, आपको एक बार अपने ट्रैप में फंसाने के लिए इस तरीके से आपको उलझाया जाता है या इस तरीके से आपके साथ में गेम खेला जाता है कि आप उसके उनके ट्रैप में फंस जाओ। जैसे आप एक बार उनके ट्रैप में फंस चुके हो उसके बाद शुरू हो जाता है उनका रियल गेम। और रियल गेम क्या है, आपसे धीरे धीरे करके आपका जितना भी आपने डिपॉजिट किया है पैसा वो जीरो करना, फिर आपके ईगो के साथ खेलना। और जब आपका ईगो के साथ खेलते हैं तब आप क्या करते हो, आप लोग दोस्तों की नहीं अभी अपन ने जितना पैसा लगाया ना जैसे अपन स्टार्टिंग के एक दो चाल जीते थे वैसे अपन बहुत सारे गेम और जीत सकते हैं, हो सकता है हमारे से कोई गलती हुई हो, और हम क्या करते हैं वापस उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं कि नहीं पहले जो पैसा लगा था अब उस पैसे को वापस हम जीतेंगे और फिर विड्रॉ करेंगे ताकि हमने जितना नुकसान सहा है वो सारा नुकसान हम भरपाई कर सकें। और होता भी कुछ ऐसा ही है, आप लोग जब पहली बार गेम खेलते हो उसके अंदर मान लो आपने 1000 रुपए डिपॉजिट करे, स्टार्टिंग में आपने खेला आपके 1000 से 1500 तक पहुंच गए, फिर आप कंटिन्यूअसली हारते गए और आप पहुंच गए वापस 100, 200 या 300 रुपए पे, तब आपका मन नहीं करेगा 100, 200 रुपए से खेलने का, फिर आप उसमें 1000 की जगह 2000 डिपॉजिट करोगे ये सोच के कि ज्यादा पैसा डिपॉजिट करेंगे, स्टार्टिंग में 2 से 3 हजार करेंगे और अपने जितना भी पैसा है वो हम वापस वहां से विड्रॉ कर लेंगे। और फिर जब वो 2000 लग जाते हैं तो आप 4000 डिपॉजिट करते हो, 4000 लग जाते हैं तो 8000 डिपॉजिट करते हो, और इस तरीके से आप उनके ट्रैप में फंस के और एक टाइम बाद पता चलता है कि आप वहाँ पे 8-10-50 हजार नहीं वहाँ पे आप लाखों रुपए हार चुके हो। ऐसा आज मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करना और इस तरीके के गेम से भी बचने की कोशिश करना। सिर्फ ये एक ही गेम नहीं है, कैसीनो के ऐसे काफी सारे गेम्स हैं जो कि आपको अपने ट्रैप में फंसाते हैं, जो कि आपको अपने लालच में फंसाते हैं। कुछ कुछ जगह इनके एडवर्टाइजमेंट भी कुछ इसी तरीके से होते हैं जहाँ पे आपको लालच आ ही जाता है कि यहाँ से हम जल्दी पैसा कमा सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में बताते हैं कि आप 20 रुपए में आप कार जीत सकते हो, 25 रुपए में बुलेट बाइक जीत सकते हो, ढेरों का केस जीत सकते हो, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, रमी के देखे होंगे, एविएटर के अगर आप सर्च करोगे तो एविएटर से रिलेटेड भी काफी सारे एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे। लेकिन ये सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले आप एक बार इनके बारे में फ्रॉड भी सर्च करके देखना गूगल पे, आपको ढेरों कमेंट्स मिलेंगे, ढेरों लोगों के जेन्युइन रिव्यूज मिलेंगे, जो लोग उसके सताए हुए हैं या फिर जो लोगों ने उन एप्लीकेशन के अंदर पैसा लगाया था उनका पैसा वो हार चुके थे तो उनके एक्चुअल जो उनकी बात होती है वो रखते भी हैं वहाँ पे, वो आपको अपने रिव्यूज भी देते हैं, तो उन रिव्यूज को भी पढ़ो उसके बाद आप इन चीजों के ऊपर ट्राई करो। बाकी फिर भी आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, आप इतने तो समझदार हो ही कि ये वीडियो देखने के बाद समझ चुके होगे कि आपको करना क्या है। बाकी फिर भी अगर आपका मन है तो आप पैसा लगा सकते हो, आपका पैसा है आपका टाइम है। और ये जितना भी मैं बताता हूँ आप लोगों को ये सारा ही मेरी रिसर्च होती है, मैं सब कुछ रिसर्च करके बताता हूँ कि आज जो जो चीजें लोगों ने कही है, जो भी गूगल के ऊपर एक्चुअल में रिव्यूज है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे भी लेके आता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।